आप लगा दीजिए स्नीकर्स या फिर आप कुछ भी लगाइए, बट जितना जल्दी भागेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना आपको जो है लॉबी के अंदर जाने का जरूर यहाँ पर मौका दिया जाएगा। बट राइट नाउ टीम सिनर्जी भी यहाँ पर एलिमिनेट होती है, वाईटी कोहली गेमिंग यहाँ पर किल्स निकाल के वैसे एक बार चलेंगे उनके पास भी। ओके यहाँ पर बीबी का हॉर्नेट के साइड से काफी अच्छा नॉक हमें देखने को मिलता हुआ। यहाँ पर रिको के आयुष की बात करूंगा, वो जरूर यहाँ पर स्पॉट कर चुका, हॉर्नेट को डाउन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर हॉर्नेट को डैमेज जरूर रिसीव हुआ। यहाँ पर हॉर्नेट जो है एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, आयुष को डाउन करने की कोशिश, बट यहाँ पर आयुष डाउन करेंगे। इसी के साथ साथ टीम रिको फाइनली अपनी टीम के लिए पहला फिनिश पॉइंट निकाल के भी, बट आयुष गलत जगह पे जा रहे, उनको बिल्कुल पता नहीं कि इनके पास ऑलरेडी बिल्कुल भी हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं रहेगा। बात करेंगे डूडो की, वो भी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे, आयुष भी वहां पर डाउन किए जाएंगे। टीम सुप्रीम के मेंबर्स जो है वो यहाँ पर केल्स निकाल के भी नजर आ रही है, व्हाइट वुल्स को दिखाओ, उनको भी दिखाएंगे। व्हाइट वुल्स ऑलरेडी जोन के अंदर आ चुके, उन्हें के साथ साथ सचिन ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल यहां पर। एंड राइट नाउ दो फिनिशर्स के साथ टीम व्हाइट वुल्स अभी भी जोन के अंदर रहेगी। टीम नंबर 7 के आप बात कर रहे हो, व्हिच इज गोना बी ठाकुर की टीम। ओके गेरी गो यहां पर टीएसए ठाकुर की टीम में खेल रही है, ठाकुर ऑलरेडी बाहर पड़ चुके, बट यहां पर जिस तरीके से ना DP28 और M4 का जो स्प्रे हमें देखने मिल रहा है ना, बहुत एक्यूरेट स्प्रे देखने मिल रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी व्हाइटी कोहली भी काफी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। BLS के कोर्ट के एक और एक मेंबर वहां पर डाउन किए जाएंगे, एक बार फिर से चलेंगे उनके पास से, 3 फिनिश पॉइंट जरूर है, बट यहाँ पर थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन पे फंस चुकी है टीम। टीम ग्लेडिएटर्स की बात करूंगा, दोनों तरफ से दोनों टीम्स के साथ ये टीम पंगा ले रही है, बट अभी इनको जो है यहाँ पर जंगल में घुसने की जरूरत है। जितना जल्दी जोन के अंदर जाएंगे, जितना जल्दी यहाँ पर जंगल के अंदर रहेंगे, उतना ही इनके लिए किफायती रहेगा, वरना थोड़ा सा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। राइट नाउ टीम ग्लेडिएटर्स के बिल्कुल सामने रहने वाली है नगर गैन, हमारी टीम नंबर 7 यहाँ पर जो काफी जगह टीम को ऑलरेडी कठिन आयु में पहुंचा चुकी है। लुक एट दैट स्प्रे, वहां पर 1 HP पे छोड़ा गया था, बट फाइनली उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा यहाँ पर GI डक के साइड से। एंड राइट नाउ टीम नंबर 19 के प्लेयर्स भी यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे जोन के अंदर अभी भी यहाँ पर 20 meters का एक छोटा सा गैप रहने वाला है, जल्दी से जल्दी इस गैप को भी खत्म करना पड़ेगा। YT कोहली की बात करूंगा, बहुत अच्छे स्प्रेस यहाँ पर जो है हमें टीम नंबर 7 के साइड से देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर है वो ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके, बट के अगर आप देखोगे ना बाकी तीनों प्लेयर्स बचे हुए एंड तीनों किल्स यहाँ पर, तीनों फिनिश पॉइंट्स भी इन्होंने यहाँ पर गैगर कर लिए। एक और एक प्लेयर को स्पॉट करके शॉट्स लेने की कोशिश वहां पर फूजी रूप के साइड से, बट यहाँ पर ऑन टारगेट हमें कनेक्शन एक बार इस बार देखने को नहीं मिलता हुआ। टीम रिको को भी जोन के अंदर एंट्रेंस लेना पड़ेगा, फूजी रूप थोड़ा सा डैमेज खाते हुए प्रोन करेंगे, वंस अगेन यहाँ पर हमें जो है खड़े होके हुए भी नजर आ सकते हैं। टीम नंबर 19 के पास चलेंगे, यहाँ पर कुछ नॉक जरूर निकाले, जोन के अंदर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ग्लेडिएटर का जो पोसाइडन है आई थिंक वो यहाँ पर एक गलत जगह पे फंस चुके हैं। टीम यहाँ पर कितनी जल्दी आके एक देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ साथ टीम हमारी मैट ड्राइवर्स भी वाइप आउट होकर नजर आएंगे, स्पॉट करके वहां पर एक प्लेयर को डाउन करने का एक अच्छा मौका मिला था, बट उस मौके का पूरा फायदा उठाने में थोड़ा सा नाकामी अपने पोसाइडन, जिसके कारण यहाँ पर आई थिंक एक जो एक और एक जो फिनिश पॉइंट मिल सकता था वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी के लिए पूरी तरीके से व्हीकल से यहाँ पर बस्कआउट की जाएगी कोहली गेमिंग, यहाँ पर एक और एक मेंबर को डाउन करते हुए क्या उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे, एक एम के साथ अपने M4 के साथ लगातार नॉक्स पे नॉक्स निकाल रहे हैं यहाँ पर YT कोहली गेमिंग। बट श्योरली अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा डोमिनेशन दिखा रही है हमारी टीम नंबर 7, ऑलरेडी 4 फिनिशर्स निकाल चुकी है जोन के अंदर, यहाँ पर जो है जाने के लिए जंग की जाएगी। एंड बात करेंगे यहाँ पर एक और एक बार कोंडीप के साइड से कॉलेज पर DP28 का हमें स्प्रे देखने को मिलता हुआ, बहुत अच्छे तरीके से DP28 के स्प्रे हमें देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर नीडो किंग की बात करूंगा, अभी के लिए नीडो किंग भी जोन के अंदर आज के काफी कम टीम्स रहेंगे वहां पर। इसी के साथ साथ एक और एक बार हमें एक और एक नॉक देखने को मिलता हुआ, कहीं ना कहीं टीम 7 हैकिंग इस मैच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है। TWC के यहाँ पर एक और एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, स्पॉट करेंगे एजेंट ओपी को नॉक करने की कोशिश, बट यहाँ पर थोड़ा सा सफल रहे सर। बात करेंगे कोहली गेमिंग की, यहाँ पर कोहली गेमिंग भी मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है। टीम सुप्रीम के प्लेयर्स की बात करूंगा, यहाँ पर सुप्रीम के प्लेयर्स भी मुश्किल में आएंगे, उनके साथ साथ यहाँ पर BLS कोर की टीम भी हमें थोड़ी सी मुश्किल में नजर आती हुई नजर आएंगी, बट टीम सुप्रीम जोन के अंदर रहेंगी, एक एडवांटेज इनके पास रहने वाला है एंड इस एडवांटेज का कितने अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं ये हमें जल्दी ही पता चलेगा। टीम ग्लेडिएटर के मेंबर्स की बात करूंगा, यहाँ पर ग्लेडिएटर के बिल्कुल सामने रहेंगे टीम नंबर 7 विद दोस 5 फिनिशर्स, यहाँ पर 2 फिनिश मिलेंगे हमारे कोने की ओपी को फूजी नूब्स को, और एक फिनिश यहाँ पर जो है हमें देखने मिलेगा विराट कोहली गेमिंग के पास। राइट नाउ जोन के अंदर जाना पड़ेगा, 7 meters है, थोड़ा सा ज्यादा दूर रहने, बट इनके बिल्कुल सामने टीम ग्लेडिएटर्स इनका इंतजार कर रही है। पूरी तरीके से देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रैप इन्होंने बिछा के रखा है, जैसे ही जोन के अंदर आएंगे आई थिंक पोसाइडन वहां पर सबसे पहले प्लेयर हो सकते हैं जो इस फाइट को ना यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ग्रेनेड आता बट यहाँ पर थोड़ा सा अगर और कुक होता तो मे भी यहाँ पर मुश्किलों में डाल सकता था, बट जोन पीछे से स्टार्ट होता है, BLS के कॉफिन वहां पर एक प्लेयर को डाउन करेंगे, बट इसके अंदर वो भी यहाँ पर डाउन किए जाएंगे। इसी के साथ साथ
यहाँ पर देख सकते हो कोने की ओपी के साइड से भी आइकिंग है ग्रेनेड पर, यहाँ पर कुक किया जा रहा है, ग्रेनेड काफी अच्छा का बट यहाँ पर एंगल उससे भी अच्छा का, पोसाइडन अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, इनको पुश करना पड़ेगा, इन पुश करके वो यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज किया बट नॉकने में नाकाम है। इसी के साथ यहाँ पर टीम ग्लेडिएटर्स के पास इससे मैं करें आई डोंट थिंक कोई और मौका मिल सके, एक और एक प्लेयर को एक और एक अच्छे एंगल के साथ यहाँ पर कोहली गेमिंग डाउन करेंगे। 1v2 का सिनेरियो जो एडवांटेज पे टीम नजर आ रही थी वो राइट नाउ डिसएडवांटेज में आके हुई, क्योंकि यहाँ पर टीम 7 जो है एक वैरायटी ऑफ एंगल्स निकाल के वही यहाँ पर एक और एक टीम को वाइप आउट करेंगे। क्या एक्सेलेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम टीम नंबर 7, यहाँ पर जिस तरीके से एंगल्स निकाल रहे, जिस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को यहाँ पर मुश्किलों में डाल रहे, आई थिंक दैट इज जस्ट समथिंग इनक्रेडिबल एंड राइट नाउ 4 teams 8 players दिस इज गोना बी जस्ट एंड अनदर अमेजिंग फाइट। वी आर गोना बी विटनेसिंग टीम रिको की बात करूंगा, यहाँ पर टॉप 4 में आने के लिए कामयाब हो चुके हैं, एक फिनिश है कहीं ना कहीं, आई थिंक और 2 finishes अगर निकालते हैं ना तो बिना किसी टीम के अगर आप लोग बोलोगे ना लक के बिना यहाँ पर जो है वो अपने ना क्वालिफायर कर सकते हैं, बट यहाँ पर जाएगा गेम तक व्हाइट वुड्स की टीम को टिकने गएगी नया, एंड आई थिंक व्हाइट वुड्स अपने लिए ऑलरेडी एक स्लॉट बना चुके हैं यहाँ पर टॉप 6 में, जो अगला राउंड रहेगा उसमें 99.99% श्योर की टीम हमें नजर आने वाली है। सुप्रीम के प्लेयर को स्पॉट करेंगे, फ्री कॉपी यहाँ पर हल्का सा डैमेज किया बट टॉक नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ वीटो की बात करूंगा, यहाँ पर टीम नंबर 7 के प्लेयर को स्पॉट किया, ग्रेनेड वहां पर आका हुआ, किल कंफर्मेशन आप देख सको कितना यहाँ पर जो है किल कंफर्मेशन के लिए तरस के हमें प्लेस नजर आ रहे, ग्रेनेड काफी अच्छा था, आई एम नॉट श्योर किस तरीके से ग्रेनेड मिस होता हुआ, कोहली गेमिंग को ये ग्रेनेड जरूर यहाँ पर डैमेज गया हुआ, फूजी रूप को भी ये ग्रेनेड डैमेज गया हुआ, क्या एक और एक उंगा ग्रेनेड हमें उड़ता हुआ ग्रेनेड यहाँ पर देखने मिलेगा, अगर मिलता तो मे बी टीम 7 का ये अंतिम सफर हो सकता था, बट राइट नाउ टीम 7 जोन के अंदर आ चुकी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जोन कीप करते हुए हमें नजर आएंगे, 9 meters रहने वाले टीम 2 के लिए ये एक बहुत ही भयानक जोन एंट्रेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन का ग्रेनेड अगर आप देखोगे ना तो टीम 7 के प्लेस को बताया कि वहां पर जो है एक या दो टीम रहने वाली है। इसी के साथ साथ वहां पर व्हाइट वुल्स के फ्री कॉपी की बात करूंगा, एक और एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब रहे, जोन के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, एक और एक ग्रेनेड कुक किया जाएगा यहां पर, एक और एक ग्रेनेड और एक बार टारगेट को कनेक्ट करता हुआ यहां पर टीम सुप्रीम के साइड से, अकेले प्लेयर रहेंगे इग्नाइट वहां पर, क्या इग्नाइट अपनी टीम को बचाने में कामयाब रहेंगे यहां पर, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल मैच हमें देखने मिल रहा है, जिस टीम के ऊपर हम लोग सोच रहे कि ये टीम जीत सकती है उसी पल उसी मोमेंट वहां पर वो टीम मुश्किलों में नजर आ रही है, टीम सुप्रीम जिसके पास 3 men strong थे वहां पर मैन पावर का एडवांटेज का, बट राइट नाउ ये टीम पूरी तरीके से हमें मुश्किलों में नजर आ रही है, रिवाइवल के लिए जरूर यहां पर इनके टीममेट्स आते हो बट रिवाइव करना बहुत मुश्किल रहेगा, एंड खतरे से खाले बिल्कुल नहीं रहेगा, ग्रेनेड कुक जरूर किया है, बीटो को डाउन करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं बट अभी भी आई डोंट थिंक रिवाइव दे सकते हैं, यहां पर राइट हैंड साइड पर भी प्लेस रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्लेस रहेंगे, एंड इनके बीच में रिवाइव देना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट यहां पर रिस्क है तो रिवॉर्ड है, इग्नाइट अपने टीममेट को अगर रिवाइव देंगे तो यहां पर एक ट्रायंगुलर डुओ फाइट हमें देखने मिल सकेगा। 21 लाइक्स एंड व्हाट द हेक लेवल डिसलाइक्स, भाई यहाँ पर लाइक वाला बटन ना लेफ्ट साइड पे हो गया दोस्तों, राइट साइड पे नहीं हो गया, आई थिंक आप लोग ना लेफ्ट साइड के बगले राइट साइड पे जो है आप लोग लाइक मार रहे हो, उसको लाइक ना उसको डिसलाइक बोल के, तो जिसने भी भाई राइट साइड पे जिसने भी यहाँ पर लाइक किया है वो एक बार फटाफट से लेफ्ट साइड वाले बटन पे जाए एंड वहां से लाइक कीजिए, एंड अगर आप लोग को दोस्तों ये मैच पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो है टूर्नामेंट में और भी ऐसे मैचेस आप लोग को देखने मिलेंगे, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज किया गया बट इतना यहाँ पर अगर ओ माय गुडनेस यहाँ पर थर्ड पार्टी हो गया टीम नंबर 7 के साथ से अकेले प्लेयर यहाँ पर बच के हमें नजर आएंगे, टीम व्हाइट वुल्स यहाँ पर बहुत उमदा कमबैक करके स्पॉट करेंगे, गलती हो क्योंकि वहां पर फुजी नुक के साइड से लोकेशन रिवील्ड हो चुके हैं, यहाँ पर 1v2 क्लच करना पड़ेगा अगर इनको इनकी टीम को बचाना है, लेट्स यहाँ पर टीम व्हाइट वुल्स से जीतेगी या फिर यहाँ पर हमारी टीम नंबर 7 जीतेगी, एंड टीम व्हाइट वुल्स ओपी इन द चैट आ जाना चाहिए गाइस, दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल स्टफ, यहाँ पर कमबैक किया इस टीम ने 2 players खोने के बावजूद, वहां पर आई थिंक मे बी कहीं ना कहीं टॉप 10 में इन्होंने अपने दोनों प्लेयर्स को खो गया था, उसके बाद में यहां तक आना That is just amazing. Salute to both of the players of team White Wolves. यहाँ पर दोनों players अपनी team के लिए 4-4 finishers लेके जाके हुए 8 finishers के साथ एक बहुत amazing winner chicken dinner लेके आ चुके हैं guys. यार एक बार भाई जिसको भी stream पसंद आ रही है like कर दो, casting पसंद आ रही है आप जरूर मुझे follow कर सकते हो, मेरी Instagram की link आपको description में मिल जाएगी, उसके बाद में बात करूंगा team TSA ठाकुर की lineup. They have also played just amazing 10 finishers यहाँ पर, थोड़ा सा अलग ही जरूर थे वहां पर, बट स्टिल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एफर्ट पूरा अच्छा गया था, जोन यहाँ पर इनका जो प्रिडिक्शन का जोन का वो बहुत
लाजवाब का उसका एडवांटेज ही यहाँ पर इनको मिलता हुआ 10 फिनिशर्स के साथ हैशटैग सेकंड पीरियड मार्क में। फिर आएगी हमारी टीम सुप्रीम, ये टीम भी काफी अच्छा गेम प्ले दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं के फैंस भी जरूर खुश रहेंगे क्योंकि 4 फिनिशर्स के साथ टीम सुप्रीम एंड अप होके हैशटैग 3। उसके बाद में टीम रिको विद्या 1 फिनिश एंड टीम ग्लेडिएटर्स 9 फिनिशर्स के साथ टॉप 5 में यहाँ पर। स्कैमी ब्रो थक जैसा आवाज है कह रहा है, थैंक यू सो मच भाई। ग्लेडिएटर्स की बात करेंगे 9 फिनिशर्स के साथ आके, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे टीम TWC कमिंग अप बिकॉज 6 फिनिशर्स एंड टीम BLS स्कोर कमिंग अप बिकॉज 5 फिनिशर्स। मतलब रिको टीम के लिए ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो ना कि तो मैं भी आई थिंक BLS के लिए थोड़ा सा मौका रहेगा क्योंकि हैशटैग 4 और हैशटैग 7 में ज्यादा पोजीशन पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर 4 से ज्यादा डिफरेंस पॉइंट रहेगा तो टीम रिको जो है जरूर हमें क्वालिफाई होती भी नजर आएगी, वरना यहां पर BLS स्कोर अब मे भी क्वालिफाई हो सकते हैं। चांसेस आर गोना बी रियली टफ फॉर BLS स्कोर, बट स्टिल अगर आप लोग को रिजल्ट देखना है तो आपको जो है जोन स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पे जाना है, वहां पर जो है हमें फॉलो करना है। रिजल्ट जो है अगले दिन तक अपडेट होते हुए आपको नजर आएंगे एंड अगले दिन के अपडेट में आप लोग देख सकते हो कि क्या आपकी टीम जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है या फिर उनको थोड़ा सा और ग्राइंड करना पड़ेगा। और जो हमारा अगला 30K का मैसिव टूर्नामेंट आने वाला है उसके लिए आपको जो है अपनी टीम को और बेहतरीन बनाना पड़ेगा। सो डोंट वरी गाइस, अगर आप इसमें सफल नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक और एक मौका दिया जाएगा जोन स्पोर्ट्स के साइड से। सो नो वरीज एट ऑल,